रोडी सीजन 19 के नेक्स्ट वोट आउट में कौन होगा एलिमिनेट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिस क्रॉस इंडिया। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, रीसेंट वोट आउट में नो एलिमिनेशन का ट्विस्ट आ गया। वास्तु जैन एलिमिनेट हुए थे, लेकिन प्रियंका के सैक्रिफाइस की वजह से और कर्मा ट्विस्ट की वजह से वास्तु जैन सेफ हो गए। आज का वोट आउट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, सबने इंडिविजुअल खेला इसीलिए मजा आया, वरना वन साइडेड गेम हो जाता है। वहीं दिग्विजय भी टारगेट हो गए। प्रिंस की गैंग उन्हें पसंद नहीं करती, खुद गौतम की गैंग उन्हें पसंद नहीं करती। ऐसे में दिग्विजय के लिए आगे की जर्नी काफी ज्यादा टफ होने वाली है। वहीं भूमिका और सुमित का भी बहुत गंदा वाला आर्ग्यूमेंट हो गया था और नेक्स्ट वोट आउट में देखने को मिलेगा कि भूमिका को टारगेट किया जाएगा। वहीं एग वाले टास्क में हमें देखने को मिल रहा है कि प्रक्रम, जोगिंदर और भूमिका के सर में अंडा फोड़ा जा रहा है, यानी कि इन तीनों को इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि नीरजा प्रक्रम के सर पर अंडा फोड़ रही है, यानी कि दोनों टीम्स में जो अलायंस था वो आगे चलकर चेंज होने वाला है। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि एग वाला टास्क अगर प्रिंस की गैंग जीतती है, जो कि लग भी रहा है, ऐसे में रिया की टीम को टारगेट किया जाएगा और रिया की टीम से ही जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं वो घर जाएंगे। और ज्यादातर चांस ये है कि भूमिका को टारगेट किया जाएगा। सिविद के साथ उसका झगड़ा हो गया है, पीहू के साथ भी कहीं ना कहीं उसका झगड़ा हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुई है। वहीं इम्यूनिटी दिग्विजय के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उन्हें टारगेट किया जाएगा, खुद की टीम उनसे अपसेट है। वहीं दिग्विजय फिनाले में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उनकी स्ट्रेटेजी है अकेले अकेले खेलने की, वो एक टाइम पर आके उन पर ही बैकफायर कर देगी और गौतम भी रोडियम खर्च करके उन्हें इम्यूनिटी नहीं देंगे। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं नेक्स्ट वोट आउट के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल क्रिस क्रॉस इंडिया।